welcome to my youtube channel i am here with exercise of class 7th this, this exercise is related with chapter 1st which is heat now let's start if you, had, if you have not subscribed my channel then subscribe and like and share now start द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस थर्मोमीटर वुड यू यूज़ टू मेज़र आवर बॉडी टेम्परेचर अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम कौन से थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं दैन आंसर इज क्लिनिकल थर्मोमीटर टिकआउट दिस ऑप्शन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इसमें से कौन है जो हीट ट्रांसफ़र का मोड नहीं है कंडक्शन रेडिएशन एंड कन्वेक्शन दीज आर मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर विच वी रीड इन लास्ट वीडियोज़ Now what is answer? Answer is electricity. Stick out this option. Next question is heat is a form of heat form is electricity, friction, energy, and none of these. So heat hai form energy ka. energy is the right option. The next is the degree of hotness and coldness of a body measured by its temperature, electricity, heat and conduction. then answer is temperature. temperature is the degree of hotness and coldness. you know, which we have to read. now, next question is, which among the following is a bad conductor of heat? bad conductor of heat, corn, wood, copper, gold, stainless steel. yes, a weak conductor, but wood is non-conductor. it is insulator. okay, you have to take these option. now, next.

कभी भी कोई वैसल दी जाती है तो उसमें हैंडल वुड की दी जाती है क्यों ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी से बच सकें क्योंकि इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है देन आंसर इज वुड एंड हैंडल राइट हेयर नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एयर एंड वाटर वाटर आर ऑल्सो कंडक्टर ऑफ हीट एयर और वाटर किस तरह के कंडक्टर है पुअर कंडक्टर है देन राइट हेयर पुअर

कंडीशंस आर इंस्टॉल्ड नियर द रूफ कौन से कंडीशंस यूज़ की जाती है एयर कंडीशन है ना तो आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे एयर कंडीशंस आर यूज आर इंस्टॉल्ड नियर द रूफ नाउ नेक्स्ट इज वी वेयर आर वुलन क्लॉथ इन विंटर्स एज दे कीप अस वार्म आप लोग को पता ही है हम लोग विंटर में वुलन क्लॉथ क्यों पहनते हैं ताकि हमारी बॉडी गर्म रह सके है ना वार्म हो गया नाउ मैच द फॉलोइंग मै द फॉलोइंग नंबर फर्स्ट इज मर्करी तो मर्करी का यूज़ हम लोग किसमें करते हैं इसका यूज़ हम लोग करते हैं नंबर फर्स्ट क्या क्या है मरकरी मरकरी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट मरकरी है हीट का गुड कंडक्टर तो इसमें आप फर्स्ट नंबर डाल लेंगे नंबर नेक्स्ट है वी गेट हीट हमें हीट कहाँ से मिलती है देन आंसर इज फ्रॉम सन नाउ नेक्स्ट इज एयर कंडीशंस एयर कंडीशन कहाँ पे यूज़ की जाती है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से ऑप्शन सही होगा आपका थर्ड नंबर फर्स्ट नंबर मीन्स आप फर्स्ट में क्या डाल लेंगे थर्ड डाल लेंगे ओके नाउ द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज नाइंटी सिक्स नाइन्टी एट पॉइंट सिक्स फॉर एंड हाइट नाउ दिस इज़ फोर्थ एंड जो वन बचा है जो आखिरी बचा है वो हो जाएगा हमारा कौन सा फिफ्थ वॉच द थर्मोमीटर आफ्टर यूज़ इसको फाइव नंबर डाल लीजिए आपकी एक्सरसाइज सारी सॉल्व हो चुकी हैं नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ये आपको क्लास में करवा दिया गया होगा ये क्वेश्चन हैं और इसके आगे आपके और भी क्वेश्चन हैं जो कि ये है ठीक है अगर आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है इसमें से कोई भी आंसर तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं ओके आई होप आप लोगों ने फिल कर लिया होगा एक्सरसाइजेस नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट नेक्स्ट लेसन लेसन सेकेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग Keep supporting and keep liking.